डॉक्टर प्रभु, बीजेपी के इतने शानदार प्रदर्शन का क्या कारण था और क्या ओवैसी के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? फिर टीआरएस के पास जाऊंगा। दीपक जी, ऐसा है कि ये बीजेपी का इतना बड़ा जो सीट आने का कारण ये है कि जितने माइग्रेंट्स हैं जो आंध्रा के सटीक जैसा कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र के हो गए, और जितने सारे माइग्रेंट्स और कई सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो ऑफिस पे जाके काम करने वाले जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये पूरे सारे जितने माइग्रेंट सेटलर्स जो हैदराबाद में हैं, इनको सब बीजेपी ने, इन सब लोग बीजेपी को वोट डाला है, सब के सब बीजेपी को वोट डाला है इन्होंने। और आप देखिए, जैसा बेगम बाज़ार है वो टोटल लगभग मुस्लिम इलाका है, लेकिन वहाँ पर पूरा बीजेपी आ चुका है। मैक्सिमम जितने भी सेटलर्स से, हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से, उस इलाके में सब के सब बीजेपी को वोट डाले हैं। और ये कोविड, अब जैसा अमित शाह आए हैं, देखिए अमित शाह आए हैं, जेपी नड्डा साहब आए हैं, और अब योगी जी आए हैं, और इन तीनों आने से लगभग हाफ सेंचुरी मार दिया। आप सोचिए, अगर मोदी जी आते तो सेंचुरी मार देते। लेकिन डॉक्टर प्रभु, ये जानना चाहता हूँ, आपने बेगम बाजार इलाके का जिक्र किया, क्या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जितने मुसलमानों ने नहीं किया, लेकिन जितने जो हिंदू लोग हैं वो 101% मतलब शत प्रतिशत उन्होंने घर घर से निकल के उन्होंने वोट किया बीजेपी को। इसके पहले कोई भी चुनाव में हिंदू लोग कहीं नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदू घर से निकल के वोट किए हैं, और लोग मोटिवेट किए हैं, ये सेल्फ मोटिवेशन हुआ है, मतलब लोग अपने खुद से जाके वोट किए हैं इस बार।